हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं डब्ल्यू ए इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंसुलेशन टेस्टर के बारे में, जिसे हम मैगर भी कहते हैं। मैगर को हम इंसुलेशन टेस्टर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये एक डिजिटल मैगर है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसको डिजिटल मैगर को या इंसुलेशन टेस्टर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये इसका सिलेक्टर स्विच है और ये इसकी सिलेक्टिंग पॉइंट्स हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक आपने उस चीज़ को उस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। और ये इसका लॉक का बटन है, आप रीडिंग को लॉक भी कर सकते हैं इस बटन के ज़रिए। और ये टेस्ट का बटन है, जब आप इसको होल्ड प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो ये आपकी इंसुलेशन को टेस्ट करेगा। ये इसकी ऊपर वाली लीड्स की कनेक्टिंग पॉइंट हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसा कि आप जानते हैं, एनालॉग मैगर हो या डिजिटल मैगर, सब में दो पॉइंट लीड्स के, कनेक्टिंग लीड्स के दो पॉइंट होते हैं। तो चलें हम लीड्स को इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। पॉजिटिव को, रेड को मैंने पॉजिटिव पर कनेक्ट कर दिया और ब्लैक को हमने नेगेटिव पे इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो ये दो लीडें हमारी कनेक्ट हो गई हैं इसके साथ, मेकर के साथ। तो अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। ज़्यादातर हमने, अगर थ्री फेज़ की मोटर्स वगैरह या थ्री फेज़ की कोई चीज़ चेक करनी हो जिसकी सप्लाई की रेंज 460 या 480 हो, तो हम मीटर को मोस्टली 500 वोल्ट पे सिलेक्ट करके रखते हैं। इससे हमारे 500 वोल्ट के अंदर अंदर जितनी भी वायर्स या मोटर हैं जिसके अंदर 500 तक वोल्टेज अवेलेबल होते हैं, उनको हम टेस्ट कर सकते हैं। मोर देन 500 वोल्टेज हमारे पास, ये सिलेक्शन 1 किलोवाट की भी है, इसका मतलब 1000 वोल्ट के बराबर होता है। तो हम इसको 1000 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तो ऑलमोस्ट चीज़ें जितनी भी होती हैं वो 480 के अंदर अंदर ही होती हैं। इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए हो तो 480 तक उनकी मैक्सिमम सप्लाई होती है। तो इसी वजह से हमने मीटर को 500 वोल्ट पे सिलेक्ट कर लिया। तो चले हम इससे, हमारे पास ये एक मोटर है थ्री फेज़ की एक इंडक्शन मोटर है। ये कोई भी जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है उसमें या थ्री वायर्स होती हैं सप्लाई की, थ्री फेज़ की जो मोटर होती है उसमें थ्री वायर्स होती हैं सप्लाई की, या सिक्स होती हैं या फिर नाइन होती हैं। जो हमारी कंस्ट्रक्शन होती है उसके हिसाब से उसके वायर की अरेंजमेंट दी जाती है। मल्टी वोल्टेज मोटर है तो इस वजह से इसमें नौ वायर्स हैं सप्लाई के लिए। डिफरेंट सप्लाई आप दे सकते हैं, लाइक 230, 2780 और 460, 480। उस हिसाब से इस हर मोटर पे एक डायग्राम दी हुई होती है, तो उसको आप डायग्राम की मदद से आप उसकी अरेंजमेंट वायरों की कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं मोटर को के कनेक्शन कैसे करते हैं और किस तरीके से चेक करते हैं, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो चलें हम अपने मेन टॉपिक पे फोकस करते हैं, इंसुलेशन टेस्टर और मैगर। तो ये हमारी तीन मोटर्स की वायर हैं। हम सबसे पहले, हमने मैगर को ऑन कर लिया है, ये देख सकते हैं आप, हमारा मैगर ऑन है और इसको हमने 500 वोल्ट पे सिलेक्ट कर लिया है। अब हम सबसे पहले मोटर का ग्राउंड चेक कर लेंगे। आप जानते हैं, हमने किसी भी चीज़ की इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए या मैगर को यूज़ करते हैं तो एक पॉइंट को हमने ग्राउंड करना होता है और दूसरी लीड को हम, जो हमारी रिक्वायर्ड टेस्टिंग की चीज़ होती है, उस पर लगाते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले हम ग्राउंड कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा ग्राउंड प्रॉपर है कि नहीं। इसलिए मैगर की एक लीड को मैंने बॉडी के साथ लगा दिया मोटर की, और ये दूसरी लीड है, इसको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे बॉडी पे लगा के आप ये देख लीजिए कि आपका प्रॉपर ग्राउंड हुआ है या नहीं। अब ये दूसरी लीड को मैंने ग्राउंड पे लगाया। अब जैसे ही मैं टेस्ट का बटन दबाऊंगा, देख सकते हैं गाइस, अब 0.01 इसकी 0.00 वैल्यू आ रही है और मीटर जो है वो ज़ीरो की तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये प्रॉपर ग्राउंड है और ये चीज़ ज़ीरो है।
तो चलें, हमारा ग्राउंड कंफर्म हो गया कि ग्राउंड ठीक लगा हुआ है। अब जब आप किसी भी मोटर की इंसुलेशन को चेक कर रहे होते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, तीनों वायर्स मोटर के तीनों फेज की वायर सेपरेट हों, एक दूसरे के करीब ना हो और बॉडी से भी टच ना हो। तो चलें हम अपनी पहली वायर पे मीटर की लीड कनेक्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं। ये मैंने मीटर मेगर की एक लीड मोटर के फेस पे लगा दी और दूसरी ग्राउंड पे लगा दी। अब जैसे ही मैं टेस्ट का बटन दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं मेगर की वैल्यू गीगा ओम में आ रही है, मोर देन 6 गीगा ओम, 7 गीगा ओम, और मीटर के ऊपर वोल्टेज भी आपको शो हो रहे हैं, 550 वोल्टेज मीटर अप्लाई कर रहा है और मोटर की इंसुलेशन जो है वो गीगा ओम में शो हो रही है। और स्केल की रीडिंग भी आप देख सकते हैं मैक्सिमम की तरफ गई हुई है, इसका मतलब ये इस फेस की इस वाइंडिंग की इंसुलेशन ठीक है, कहीं से भी ये ग्राउंड नहीं है या लीकेज नहीं है इसमें। चलें अब हम इसकी ये इसको हम दूसरी साइड पे लगाते हैं, दूसरे फेस की वायर पे मीटर की लीड लगाते हैं और अब दोबारा हम टेस्ट का बटन दबाते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने दोबारा टेस्ट का बटन दबाया तो मेगर दोबारा से गीगा ओम में वैल्यू शो कर रहा है, 550 वोल्टेज अप्लाई हुए हुए हैं और स्केल की इंडिकेशन इन्फिनिटी की तरफ है। ऊपर आप स्केल देख सकते हैं जो कि इन्फिनिटी की तरफ शो कर रहा है, इसका मतलब ये कहीं से भी ग्राउंड नहीं है और प्रॉपर कॉइल की वैल्यू प्रॉपर है। चले अब हम तीसरी वायर को चेक करते हैं, तीसरी वायर पर हमने मीटर की लीड कनेक्ट कर दी और जैसे ही इसको मैं प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं दोबारा से ऊपर स्केल भी इन्फिनिटी की तरफ चला गया है। ये हमारा स्केल है ऊपर वाला, ये इन्फिनिटी की तरफ है, 550 वोल्टेज हमारे मीटर पे शो हो रहे हैं और 28 गीगा ओम इसकी वैल्यू आ रही है, गीगा ओम में इसकी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये भी हमारी इंसुलेशन ठीक है मोटर की। चलें ये तो हो गई मोटर की। इस तरीके से आप किसी भी मोटर को मेगर कर सकते हैं और उसकी इंसुलेशन टेस्ट कर सकते हैं। और अगर मोटर कोई भी ग्राउंड होगी या फिर उसकी इंसुलेशन वीक होगी तो कैसे पता चलेगा आपको कि ये ग्राउंड है या इंसुलेशन वीक है? उसकी रीडिंग कुछ इस तरीके से आएगी कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्राउंड पे लगा के देख सकते हैं, मैंने दोनों लीड ग्राउंड पे लगा दी। जैसे ही उसके बाद आप मेगर को क्लिक करेंगे तो आपका ये जो स्केल है इस पर कोई भी मीटर होगा उस पर स्केल पे रीडिंग ज़ीरो की तरफ शो होगी। ये देख सकते हैं आप, ज़ीरो की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये ज़ीरो की तरफ है और वोल्टेज भी हमारे ज़ीरो हो चुके हैं क्योंकि चीज़ बिल्कुल ग्राउंड है, इस वजह से वोल्टेज हमारे ज़ीरो हो चुके हैं और हमारी जो इंसुलेशन टेस्ट का रिज़ल्ट आ रहा है वो 0.0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारी चीज़ ग्राउंड है या हमारी वाइंडिंग इस तरीके से ग्राउंड होगी तो इस तरीके से आपको ज़ीरो में रीडिंग शो होगी, वोल्टेज भी ज़ीरो नज़र आएंगे आपको और स्केल पे भी ज़ीरो शो होगा। तो ये था ग्राउंड को कंफर्म करने का तरीका। अगर इस टाइप की कोई रीडिंग आए तो आप समझ जाएं आपकी मोटर या जो भी आपकी चीज़ है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं वो ग्राउंड हो चुकी है। और अगर वो ग्राउंड नहीं होगी तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, ये देख सकते हैं आप। ये जैसे ही मैं टेस्ट करूँगा तो स्केल मैक्सिमम की तरफ चला गया मीटर का, 550 वोल्टेज आ गए और गीगा ओम में वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये ठीक है मोटर। चलिए ये तो हो गई मोटर। अब हम देखते हैं कि किसी भी वायर की इंसुलेशन को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। चलिए तो हमने मोटर को चेक कर लिया कि मोटर की इंसुलेशन कैसे टेस्ट करते हैं। अब आपने किसी भी वायर की इंसुलेशन टेस्ट करनी हो तो आप किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं? दोस्तों ये इंसुलेशन क्या चीज़ है और हम इसको क्यों चेक करते हैं? फॉर एग्जांपल ये 3 वायर्स हैं, इनके ऊपर अंदर कंडक्टर है, ये कंडक्टर के ऊपर ये जो कोटिंग है इसको हम इंसुलेशन कहते हैं, ये इंसुलेशन की कोटिंग है कंडक्टर्स के ऊपर। क्योंकि जैसे ही इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वोल्टेज गुजरते हैं, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स पैदा प्रोड्यूस होता है और अगर इसकी इंसुलेशन वीक होगी तो ये अंदर से कंडक्टर हीटअप होता है हमारा, और ये अगर हमारी इंसुलेशन वीक होगी तो ये दोनों फेस की वायर या तीनों वायर आपस में मेल्ट हो सकती हैं और तीनों फेस आपस में कोलैप्स हो सकते हैं, इसका मतलब हमारा शॉर्ट सर्किट हो सकता है जिसके नतीजे में
हमारा कोई वायर भी डैमेज हो सकती है और भी मज़ीद भी नुकसान हो सकते हैं। इस वजह से किसी भी चीज़ की हम इंसुलेशन टेस्ट करते हैं कि आया उसके कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेशन की लेयर है वो ठीक है या नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, ये तीनों वायर्स पे अलग अलग इंसुलेशन है और उन तीनों के ऊपर फिर एक इंसुलेशन की कोटिंग है। चलिए हम वायर को चेक करते हैं कि हम इसकी इंसुलेशन कैसे चेक कर सकते हैं। वायर्स की इंसुलेशन चेक करने के लिए डिपेंड करता है उसके कंडक्टर्स कितने हैं आपके। अगर आपके चार कंडक्टर्स हैं, एक ग्राउंड है और तीन फेस हैं, तो आपने मीटर की एक लीड को एक ग्राउंड पे लगा देना है और बाकियों को एक एक करके चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के वो इंसुलेशन ठीक बता रही हैं या नहीं। लेकिन अगर आपकी तीन वायर्स हैं, फॉर एग्जांपल हम दे मान लेते हैं हमने एक को ग्राउंड किया हुआ है, दो पे हमने सप्लाई कनेक्ट की हुई है, ये ग्रे हमारा ग्राउंड है, पिंक और वाइट हमारा न्यूट्रल एंड फेस है, तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड पे एक वायर लगा देंगे, तीनों वायर्स को आपस में एक एक करके चेक कर सकते हैं। ग्राउंड को आपस में एक वायर लगा देंगे, दूसरी वायर हम फेस पे लगा देंगे, फेस पे हमने एक वायर लगा दी और एक वायर को हमने ग्राउंड पे लगा दिया, और जैसे ही मीटर का मेगर का टेस्ट का बटन दबाएंगे तो ये शो करेगा हमको रेजिस्टेंस, ये गीगा ओम में शो कर रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में इंसुलेशन वीक नहीं है और दोनों कंडक्टर अपनी अपनी जगह पे सेपरेटेड इंसुलेटेड हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये वीक होगी इंसुलेशन तो क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि हमारा ये वायर का दूसरा एंड है, ये मीटर को मैंने टेस्ट पे रखा हुआ है, हमारा मीटर का स्केल फुल इन्फिनिटी की तरफ शो कर रहा है, 550 वोल्टेज अप्लाई किए हैं, 5 गीगा ओम वो अप्लाई हुआ होगा। अगर इसकी इंसुलेशन वीक होगी तो ये किस तरीके से हमें पता चलेगा, उसके लिए हम किस तरीके से ये आपस में कोलैप्स होते हैं तो ये देखते हैं हम। ये जो हमारे दो वायर्स हैं, ये इनके कंडक्टर जैसे ही आपस में मिल जाते हैं, दिखा रहा हूँ मैं आपको मिला के, ये देखें जैसे मैंने दोनों वायर को मिलाया तो मीटर इंडिकेट, तो हमारा मेगर देखें इन्फिनिटी की तरफ से ज़ीरो की तरफ आ गया, वोल्टेज भी ज़ीरो हो गए हमारे और इंसुलेशन अब ये 0.0 ओम बता रहा है। इसका मतलब ये हमारा जैसे मैंने दोनों को सेपरेट किया दोबारा ये इन्फिनिटी की तरफ चला गया, इसका मतलब ये अभी सही बता रहा है। और अगर कोई वायर हमारी डैमेज हो जाएगी और आपस में शॉर्ट हो जाएगी, जैसे मैं अपने मैन्युअली अपने हाथ से इसको कर रहा हूँ, तो इस तरीके से मीटर आपको रीडिंग कुछ शो करेगा, ज़ीरो शो करेगा, जिसका मतलब आपकी वायर कहीं पे ग्राउंडेड हो चुकी है या आपस में मेल्ट हो चुकी है, दोनों फेस आपस में शॉर्ट हो गए हैं, इस वजह से आपके फॉल्ट आ रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, मेगर को इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और एक एक करके आपने मेगर की लीड को एक एक करके सभी लीडों पे लगा के सभी को कंफर्म कर लेना है। अगर किसी भी वायर की आप इंसुलेशन ले रहे हों या चेक कर रहे हों तो आपको पता लग जाएगा कि वायर ठीक है या ख़राब है। अगर ख़राब होगी तो आपस में इनके आपस में कॉन्टेक्ट हो गया होगा और मेगर आपका ज़ीरो की तरफ आ जाएगा। ये देख सकते हैं दोबारा मैंने दो वायर्स को आपस में जैसे ही मिला रहा हूँ ज़ीरो की तरफ आ रहा है, जैसे ही छोड़ रहा हूँ ये मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, दोबारा मैं मिलाता हूँ। और गाइस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मेगर इंसुलेशन टेस्ट करते हुए आप हमेशा इस पे हाई वोल्टेज, जैसे कि मैंने 500 वोल्टेज की रेंज सेलेक्ट की हुई है तो ये हाई वोल्टेज हैं, अगर आपको शॉक भी लग सकता है अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे, तो जब भी आप इंसुलेशन टेस्ट करें मेगर को यूज़ करें तो बी केयरफुल गाइस। तो चलें देखते हैं, ये हमने 500 वोल्टेज पे, इसी तरीके से आप 250 वोल्ट, 100 वोल्ट, 50 वोल्ट पे एक एक करके चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अमूमन 500 वोल्ट पे हम रख के चीज़ों को चेक करते हैं, उसके अंदर सब कैटेगरीज की चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम अपने घर पे किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता है हमारे घरों की सप्लाई 220 या 230 40 से मैं ऊपर नहीं जाती, तो हम 230 पे भी रख के उसको टेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने 230 की सिलेक्शन कर ली और अब मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये दिखा रहे देख सकते हैं आप, अभी भी गीगा ओम में ही इसकी वैल्यू आ रही है। और अगर वायर्स को मैं आपस में मिला देता हूँ तो भी ये वैल्यू ज़ीरो की तरफ, ये देख से जैसे ही वायर आपस में मिली तो ये देख सकते हैं आप, वायर आपस में मिल गई तो ये ज़ीरो की तरफ वो वैल्यू, वायर जैसे ही मिली ये ज़ीरो की तरफ वैल्यू चली गई, वोल्टेज भी ज़ीरो हो गए
और स्केल भी जीरो की तरफ आ गया और रेजिस्टेंस भी हमारी जीरो में शो कर रहा है। इस तरीके से आप किसी भी वायर को टेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने इसके फंक्शंस का बता दिया। ये लाइट के लिए बटन है, ये बदर के लिए बटन है, ये टेस्टिंग का बटन है, ये लॉक एंड अनलॉक। अगर आपकी कोई भी रीडिंग को कहीं पे भी आप होल्ड करना चाह रहे हैं तो इसकी मदद से आप प्रेस करके इसको लॉक कर सकते हैं। और ये हमारा सिलेक्टर स्विच है जिसकी मदद से आप अपनी रिक्वायर्ड वोल्टेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप ऑफ कर सकते हैं इसको, और ये आप इसकी मदद से किसी चीज़ की कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं कि आया वो ठीक है या नहीं। हमारे मेकर में रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी का ऑप्शन भी मौजूद है, तो हम सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं मेकर की मदद से। उसके लिए लीडें हमारी अपनी जगह पर रहेंगी और हमने इसको कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं, हमने एक वायर चेक करनी है कि हमारी वायर ठीक है या ख़राब है। पहले हम आपस में लगा के मीटर को चेक कर लेते हैं। ये देखें, जैसे ही मैंने आपस में मीटर की लीडें लगाई, मीटर मेरे को कंटिन्यूटी बदर शो कर रहा है और ये 0-0 बता रहा है। तो इस तरीके से अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वाइट वायर को चेक करना है कि वाइट वायर हमारी ठीक है या नहीं। तो एक एंड इस कोने पर लगाया मैंने, दूसरा एंड वायर के दूसरे कोने पे वाइट वाली पे लगाया। जैसे ही लगाया तो ये हमें बदर शो कर रहा है, इसका मतलब ये वायर हमारी ठीक है। इसी तरीके से रेड वायर को मैं चेक करता हूँ, रेड वायर पे मैंने लगाया, रेड वायर भी ठीक है। इसी तरीके से ग्रे वायर को मैं चेक करता हूँ, ग्रे वायर पे लगा के मैंने इस ग्रे वायर पे लगाया तो ये ग्रे वायर भी हमारी ठीक बता रही है। इस तरीके से आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। दूसरा इसमें ऑप्शन है किलो ओम का। अगर आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, आपने उसको चेक करना हो, तो आप इसकी मदद से उसको भी चेक कर सकते हैं। मेरे पास एक ये रेजिस्टेंस है 3.3 किलो ओम इसकी वैल्यू है, जैसा कि आप देख सकते हैं 3.3 किलो ओम की ये रेजिस्टेंस है। तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ मेकर की मदद से कि ये ठीक है या नहीं। तो चलें हम मेकर से इसको टेस्ट कर लेते हैं। मीटर की एक लीड एक एंड पे लगाई, दूसरी लीड दूसरे एंड पे लगाई, तो देख सकते हैं मेकर आपको 3.3 किलो ओम वैल्यू शो कर रहा है, 3.3 किलो ओम। तो इसका मतलब आप रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं इसकी मदद से। मेरे पास एक ये पोटेंचो है, पोटेंचो 5 किलो ओम का। तो इसकी मैं अगर वैल्यू चेक करना चाहूँ तो इसको मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। इसको भी मैंने इसी तरीके से मेकर के एक एंड पे एक लीड लगा दी, दूसरे पे दूसरी लगा दी। तो ये देख सकते हैं मेरे पास 5 किलो ओम का ये पोटेंचो है, इसके एक एंड पे एक लीड लगाई, दूसरे एंड पे दूसरी लीड लगाई, तो ये मीटर पे 5.2 किलो ओम वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब हम इससे रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। बेसिकली ये सिर्फ इंसुलेशन टेस्टिंग और ग्राउंड टेस्टिंग के लिए मेकर यूज होता है, लेकिन आप इससे अदर टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक कंटिन्यूटी टेस्ट एंड रेजिस्टेंस चेक। तो तब तकरीबन ऑलमोस्ट सभी मल्टीमीटर डिजिटल मल्टीमीटर सेम ही होते हैं गाइस, उन्हें कोई डिफरेंस नहीं होता। जस्ट आपने उसकी राइट सिलेक्शन करनी होती है मीटर की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।